अस्सलाम वालेकुम, खाया जावेद के साथ आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 8 जून 2024 ईस्वी बमुताबिक यकुम ज़िलहज 1445 हिजरी बरोज शनिचरवार। नज़र डालते हैं आज के खबरनामे पे एक नज़र। नई लोकसभा में अपोजिशन मजबूत होगी, जिसकी बात में ताकत होगी। प्रोपेगंडा पर अपनी एग्जिट पोल चलाने वालों को आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला। लोगों ने फैसला सुना दिया और हिंदुस्तान की जो आइन है वो बच गया और उन्होंने ये दिखा दिया कि ताकत लोगों की है, लोग ही ताकत रखते हैं और ये साबित हो गया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये लोगों के पास और कुछ नहीं है, ये वोट है जिससे वो लोगों को उठाते हैं, जिससे लोगों को गिराते हैं और इसे साबित किया। वो जो चिल्लाते थे 370 400 पार, मैं समझता हूँ ये जो ये एग्जिट पोल वगैरह है इसको बंद कर दिया, उनको अपने ठेके बंद कर दिए और लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्हें गलतफहमियाँ लोगों में पैदा की। बनने दीजिए, जब बन जाएगी आप भी देखेंगे, मैं भी देखूँगा। आप मीडिया में आप खुद देखेंगे और मैं भी देखूंगा। इंतज़ार की सभा बहुत मजबूत हो। मैं जिस पार्लियामेंट में था उसमें हम कमज़ोर थे, हमारी बात सुनाई नहीं देती, हमारा सुनते नहीं थे और तानाशाही थी, वो डिक्टेटरशिप ख़त्म हो गई, अल्लाह का शुक्र है। पहलगाम से पायसरन वादी तक जाने वाली राबता सड़क इंतहाई खस्ता हाल, सयाहों को परेशानियां, हर वक्त खतरा रहता है लाहक, पुख्ता रोड बनाने के हुकाम से अपील। वादी के दूर अफ्तादा इलाकों में पीने के पानी की किल्लत, आवाम को मुश्किलात दरपेश, बुनियादी सहूलियात के फिकदान पर अतराफ अकनाफ में लोगों में इंतजामिया के तई गम गुस्सा। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जुड़ने वाली श्रीनगर कौमी शहरा पर मरम्मती काम के पेश नज़र 8 और 9 जून की दरमियानी शब ट्रैफिक की नकल हमल मुकम्मल तौर बंद रहेगी। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इस दौरान किसी भी गाड़ी या माल मवेशियों के झुंड को कौमी शहरा पर चलने की इजाज़त नहीं होगी। कौमी शहरा नगरोटा जम्मू से हफ्ते की शाम 5 बजे और उधमपुर से शाम 6 बजे से किसी भी गाड़ी या मवेशियों के झुंड को चलने की इजाज़त नहीं होगी। हुकाम ने मुसाफिरों से कहा है कि वो मरम्मती का काम मुकम्मल होने तक कौमी शहरा पर सफ़र करने से गुरेज करें। लोगों से मज़ीद कहा गया है कि वो कौमी शहरा के मुतलिक अपडेट हासिल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम रामबन के साथ राबता कायम करें। कल श्रीनगर के पेमना डिग्री कॉलेज में आलमी खुराक की हिफाजत का दिन मनाया गया। इस मौके पर ADC जहूर अहमद मेहमान खसूसी मदू किए गए थे। इसके अलावा महकमे फूड सेफ्टी के अफसरान भी तकरीब पर मौजूद थे। मेहमान खसूसी ने तफसीलन खुराक की हिफाजत के आलमी दिन पर रोशनी डाली। महकमे फूड सेफ्टी को इस बात पर जोर दिया गया कि वादी में लोगों को मुख्तलिफ अमराज से बचाने के लिए बाजारों में मुसलसल खाने पीने की चीज़ों के मायने पर कड़ी निगाह रखे। वादी के नामवर ताजर हजरात भी इस मौके पर तकरीब में शामिल थे और आखिर में नामवर ताजर हजरात को असनाद से भी नवाजा गया। जैसे आपने खुद कहा कि जम्मू कश्मीर एक फूड एक टूरिज्म स्टेट है, टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट, तो जम्मू कश्मीर के जो लोग उनकी जो हॉस्पिटल है उसके लिए वो मशहूर है और यहाँ का फूड वो भी लाइक किया जाता है ऑल ओवर इंडिया और ऑल वर्ल्ड, जैसे कबाब गुश्तावा या भी दूसरे भी क्यूज़ीन। तो हमारा जो श्रीनगर में की मैं बात करूँगा, हमारा जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो बहुत ही एक्टिव है इस बारे में और तकरीबन रोज़ हमारी तरफ से मार्केट चेकिंग, जो फूड सेफ्टी एस्टेब्लिशमेंट है उनको चेक किया जा रहा है और ये दिखा ये, हम ये देख रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो फूड टूरिस्ट को मिल रहा है वो अच्छा मिले। इसमें भी हमारी तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, उसमें जैसे आपने कहा, हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी बाहर के लोग आते हैं या पटरियों पर जिनको कोई
परमिशन नहीं होता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी और हम ये कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छा बेस्ट फूड जो है जैसे इस दिन का जो थीम है कि उनको अच्छा खाना मिले और क्वालिटी फूड मिले। पहले मेरा मैसेज ये रहेगा जो भी फूड हम खाएंगे वो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब है कि जैसे अभी आपने यहाँ 2-3 स्टार्स लगे मिल्क भी अब हमारा फोर्टिफाइड है, उसके अलावा जो बिस्किट से भी बेकरी आपने देखी कि वो भी फोर्टिफाइड है। हमें अपने बच्चों को ज़्यादातर देखना है कि जंक फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है या जो फूड है अनहाइजीनिक है और सबस्टैंडर्ड फूड जो जिसकी आपने बात की उन चीज़ों पर हमारा थ्रस्ट रहेगा। और मैं लोगों को आपकी वसात से उनको ये कहना चाहूँगा, इनसे इल्तिजा करूँगा कि अपने बच्चों को अपने खुद जो अच्छा फूड हो, जो स्टैंडर्ड वाला फूड हो और जो वो उसका इस्तेमाल करें और जो सबस्टैंडर्ड या जो जंक फूड है उससे परहेज़ किया जाए। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हर ईद पर, ईद के बगैर वैसे हमारा हर साल भर ये हमारा रहता है कि फूड चेकिंग जो है फूड एस्टेब्लिश उनकी चेकिंग हो जाए, लेकिन ईद पर स्पेशली हमारी खास टीमें बनती हैं, उसमें हमारा रेवेन्यू पुलिस हेल्थ और फूड सेफ्टी के जो डिपार्टमेंट होते हैं। तो इस साल हमें बड़ा विग्रस्त तरीके से देखा जाएगा कि लोगों को अच्छा खाना मिले और जो अनफूड अनहाइजीनिक या एडल्टर्ड फूड में मुलाजिम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। लोगों को यकीन दिलाता हूं कि हमें हुकूमत चलाने के लिए जो अक्सर दी है इस पर खरा उतरने की कोशिशें करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम इत्तेफाक राय की तरफ आगे बढ़ें और मुल्क को आगे ले जाने में कोई कसर बाकी न छोड़ें। एनडीए ने तकरीबन 3 दहाइयां मुकम्मल की है, यह कोई मामूली बात नहीं। मैं कह सकता हूं कि यह कामयाब इत्तेहाद है। नरेंद्र मोदी को लोकसभा बीजेपी और एनडीए पार्लियामानी पार्टी के लीडर के तौर पर नामजद करने की तजवीज़ मुल्क की आवाज़। गुज़श्ता 10 बरसों के दरमियान कौम के लिए जो खिदमत की है इसकी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। काबिना में इनके साथी के तौर पर न सिर्फ मैं बल्कि तमाम हम वतन ने मोदी की कारकर्दगी और सदाकत को देखा। अमित शाह। चीन की बढ़ती हुई बहरिया की मौजूदगी का मुकाबला करने के लिए भारत आंध्र प्रदेश में खुफिया जौहरी आबदोज बेस तामीर कर रहा है। हुकाम। पुलिस सरबरा आरआर सुवेन का शिकायत का अजाला प्रोग्राम पुलवामा में दोबारा शुरू होगा। आज यानी शनिचर को जिले पुलिस लाइंस पुलवामा में अवामी शिकायत सुनेंगे। 12वीं जमात के बाद 10वीं जमात के इम्तिहानी नतज को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म। दिन भर सोशल मीडिया पर रिजल्ट की जाली लिंक शेयर होने के बाद वालदेन और तलबा परेशान। इम्तिहानी नतज जाहिर करने में अभी और कुछ वक्त दरकार। 10 जून के बाद मुतवका बोर्ड हुकाम। और आखिर में यह खबर कि रवा माह के आखिर से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में इंतजाम जारी। अमरनाथ गुफा की जानिब जाने वाले रास्ते से बर्फ़ हटाने के लिए काम मुकम्मल होने के करीब। नसरीन, ये था आज का खबरनामा। डीजी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।